ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर आईटीआई के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी वो सभी यूथ बुक से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, अ पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आम तौर पर डैश होती है। पहला ऑप्शन गिवन है केवल स्प्लिट फेज व्यवस्था से शुरू, दूसरा है स्लो स्टार्टिंग, तीसरा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, फोर्थ है सेल्फ स्टार्टिंग। जो हमारा पॉलीफेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखाया है, ये कंस्ट्रक्शन है हमारा इंडक्शन मोटर का, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। यहाँ पर गिवन एक फ्रेम है, मोटर का फ्रेम है। यहाँ पर हमारा वायरिंग का कवर है। इसमें हम लोग इसके जरिए हम लोग स्टेटर में सप्लाई देते हैं। और एक और बात, इंडक्शन मोटर जो होता है मतलब सिंगल एक्साइटेड होता है। वही हम अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो डबली एक्साइटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, स्टेटर पार्ट है और ये हमारा रोटर पार्ट है, और ये हम लोग इंडबेल होता है, दोनों साइड से इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, अभी किस तरह सेल्फ स्टार्टिंग होता है ये देख लेते हैं। होता क्या है कि जब हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो उसमें एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये बैक ईएमएफ क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स प्रोड्यूस करता है रोटर में। ठीक है, अब रोटर में जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसके कारण क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है रोटर में, और टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से रोटर रोटेट करना शुरू हो जाता है। इसका मेन रीजन होता है सेल्फ स्टार्टिंग होने का, क्योंकि हम यहाँ पर रोटर को शॉर्ट सर्किटेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग के जरिए हम लोग शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, रोटर में जो कंडक्टर होते हैं वो उसमें करंट फ्लो होने लगते हैं। और हमें पता है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, रोटर जो है रोटेट करना शुरू करने लगता है। तो इसी यही कारण है कि जो इंडक्शन मोटर होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। तो हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज इन अ, पहला ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, दूसरा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सी डीसी सीरीज मोटर एंड डी ऑल ऑफ दिस। स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग जनरली कहाँ यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एक्चुअली क्या, डीसी शंट मोटर में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज नहीं करते हैं। वहाँ पर टू पॉइंटर, थ्री पॉइंटर, फोर पॉइंटर जो स्टार्टर होता है वो सब हम यूज करते हैं डीसी मोटर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरह वर्क करता है इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम है स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्री फेज सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई में A1 B1 C1 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक हैंडल है जो मतलब बोल सकते हैं डबल स्विचे है। ठीक है, जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो हमारा जो स्टेटर है वो स्टार कनेक्टेड होता है। सी यहाँ पर A1 है, ये से गया, और यहाँ पर ये जो हमारा होगा जो प्लग है, ये स्विच है, वो अभी कनेक्ट होगा इसमें, स्टार्ट के टाइम में इसमें कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये इस समय स्टार की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही हमारा जो स्पीड है रोटर का वो 80% ऑफ द रेटेड स्पीड हो जाएगा, तो ये जो स्टार से जो हमारा कॉन्टेक्ट है वो स्टार से पुश होकर रन की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो रन कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होगा कि जो स्टार डेल्टा स्टार जो स्टार कनेक्टेड स्टेटर है वो अब डेल्टा कनेक्टेड हो जाएगा, और इस तरह हमारा क्या होगा, यह स्टार्टर वर्क करता है। मतलब स्टार्टिंग में वो स्टार कनेक्टेड रखता है और फिर उसके बाद उसको डेल्टा कनेक्टेड कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार कनेक्शन में होता क्या है, स्टार कनेक्शन के टाइम में जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो होता है √3 फेज वोल्टेज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फेज वोल्टेज इस टाइम में क्या होगा, लेस देन होगा लाइन वोल्टेज के। ठीक है, और करंट जो होता है, लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होता है। तो होता क्या है कि अगर हम लोग वोल्टेज हमारा फेज वोल्टेज कम है, जिसके वजह से हमारा टॉर्क जो होगा वो कम होगा, और टॉर्क कम होने की वजह से करंट भी कम हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग अगर विदाउट स्टार्टर का हम करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है मोटर में, जिसके वजह से मोटर जल जाने की चांसेस होते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर। ठीक है, तो स्टार्टर से इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि वो जो करंट है उसको लिमिट कर सके। और डेल्टा केस में क्या होता है, अगर हम डेल्टा केस की बात करें, अगर डेल्टा कनेक्शन का बात करें तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि हमारा जो
लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के इक्वल होता है, और करंट जो होता है लाइन करंट जो होता है √3 फेज करंट होता है, ठीक है। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है। तो रियल जब हम स्टार्ट करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को, तो उसको स्टार कनेक्टेड रखते हैं और बाद में उसको डेल्टा कनेक्टेड कर देते हैं जब वो 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड गेन कर लेता है। ये कैसे वर्क कर रहा है ये हमने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक और बात, जो सीरीज स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है मोटर के सीरीज में कनेक्टेड होता है, मोटर के सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ड्रम टाइप स्टार्टर डेस इज यूज टू डिक्रीज द स्टार्टिंग करेंट। तो पहला ऑप्शन गिवन है पैरेलल रेसिस्टेंस, दूसरा है सीरीज रेसिस्टेंस, तीसरा है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटेंस, फोर्थ है सीरीज इंडक्टेंस। तो ड्रम टाइप स्टार्टर हम लोग जनरली यूज क्यों करते हैं? तो हम लोग जानते हैं जितने भी स्टार्टर है, या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर, या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये सभी इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि स्टार्टिंग करंट को लिमिट किया जा सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब मोटर को स्टार्ट करते हैं उस समय उसकी जो करंट होती है, स्टार्टिंग करंट जो होती है, रेटेड करंट से 3 to 5 times ज़्यादा होता है। तो उस करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ड्रम टाइप स्टार्टर जो होता है वो स्टार्टिंग करंट को डिक्रीज करता है बाय द हेल्प ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस, ठीक है। सीरीज रेजिस्टेंस का यूज़ करके वो स्टार्टिंग करंट को डिक्रीज करता है। तो जो थ्री जो हमारा ड्रम टाइप स्टार्टर हो जो वह जनरली जो ड्रम टाइप स्टार्टर है वह जनरली हम यूज करते हैं 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, ठीक है। और ये हम ऑपरेट करते हैं जनरली, हम लोग ड्रम टाइप स्टार्टर वहीं यूज करते हैं जिसका पावर जो होता है, रेटेड पावर जो होता है 110 किलोवाट होता है। 110 किलोवाट जब रेटेड पावर होता है उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं ड्रम टाइप स्टार्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक और बात, जो ड्रम टाइप स्टार्टर होता है उसका फिगर यहाँ पे गिवन है, कुछ इस टाइप का दिखता है ड्रम टाइप स्टार्टर, ठीक है। ड्रम टाइप स्टार्टर जो होता है वो उस ड्रम टाइप जो स्टार्टर होता है वो बना होता है स्मूथ सीट स्टील और रेडिएटर ऑयल कंटेनर का बना होता है, ठीक है। और इसको ऑपरेट करते हैं बाय द हैंड व्हील। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीड ऑफ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाय, वो स्पीड जो होता है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का कंट्रोल करते हैं बाय, ऑप्शन गिवेन चेंज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन है चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स, सी है रिड्यूसिंग सप्लाई वोल्टेज, डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। कैसे देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर के इंडक्शन मोटर की बात हो रही है, तो एन होता है, एन इक्वल टू होता है 120 f/p। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, पोल पे भी डिपेंड कर रहा है, और हमारा रिड्यूस सप्लाई वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है। वो कैसे, इज इक्वल टू क्या होता है, के फाई ओमेगा, ठीक है। के और फाई अगर हम बोल दें कॉन्स्टेंट है, तो ई क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ठीक है। तो हमारे क्या होगा कि अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारा ओमेगा रिड्यूस होगा। ओमेगा इज नथिंग बट 2π(ns/60), ठीक है। तो ये ओमेगा की वैल्यू होती है, तो इसीलिए हमारा जब सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस होगा तो हमारा स्पीड भी घटेगा, ठीक है। तो हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं तीनों ही कंडीशन से, बाय द चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, बाय चेंजिंग द पोल, एंड बाय रिड्यूसिंग द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 4 pole 5 hp 3 phase 50 cycle per second 400 volt इंडक्शन मोटर इज, हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू क्या होता है, 120 f/p। हमें क्या क्या गिवन है, पोल हमें गिवन है, पोल गिवन है 4, एंड हमारा फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 50 cycle per second इज नथिंग बट 50 hertz, ठीक है। अब हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, 120 × 50/4, 4 3 12 0, देन 1500। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 1500 rpm, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 phase इंडक्शन मोटर रन एट अ स्पीड, 3 phase जो इंडक्शन मोटर है वो रन करता है एट अ स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, दूसरा बोल रहा है इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, थर्ड बोल रहा है ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, डी बोल रहा है इक्वल टू स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला जा रहा है कि 3 phase जो इंडक्शन मोटर होता है उसका जो फ्लक्स होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है, लेकिन रोटर जो होता है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है, ठीक है।
ऐसा इसलिए क्योंकि रिलेटिव स्पीड होना ज़रूरी है। अगर रिलेटिव स्पीड नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, स्लिप ज़ीरो हो जाएगा। और रिलेटिव स्पीड ना होने से क्या होगा, टॉर्क जो होगा टॉर्क भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा, और इसके वजह से करंट भी ज़ीरो हो जाएगा और हमारा जो रोटर है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा रोटर है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करता है, लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। इसका दूसरा रीज़न भी हम बता सकते हैं कि होता क्या है कि रोटर जब हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से रोटर रोटेट करता है। ठीक है, तो रोटर हम लेंज लो ये बोलता है कि रोटर जिससे कोई चीज़ रोटेट करता है उसी को अपोज करता है। ठीक है, तो रोटर क्या हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से रोटेट कर रहा उसी को अपोज करता है। ठीक है, तो अपोज करता है जिसके वजह से ये क्या होता है, ये चाहता है रोटर कि हम सिंक्रोनस स्पीड में आए, लेकिन अपोज करने के वजह से वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड में नहीं आ पाता। ठीक है, इसीलिए जो रोटर हुआ है वो रोटर जो है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करता है। ठीक है, और दूसरा एक और रीज़न बता सकते हैं, होता है क्या है, जो पावर होता है पी पी इजकल टू होता है, पी इजकल टू होता है टी बाई डब्ल्यू, मतलब टी स्टॉर्क और ओमेगा एंगुलर स्पीड। ठीक है, अब पी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2π(ns)/60 इंटू ओमेगा। ठीक है, सॉरी ये ओमेगा को लिखा, यहाँ पर टी होगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π(ns)/60। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, बाकी सभी कॉन्स्टेंट है, तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं पी बाई टी। अगर लोड कॉन्स्टेंट है, अगर लोड कांस्टेंट है तो हमारे क्या होगा, टॉर्क भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो एन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। ठीक है, अगर जब हम स्टेटर पे सप्लाई दे रहे हैं तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ का जो पावर होगा एज्यूम कर लीजिए पी वन। ठीक है, जब रोटर रोटेट कर रहा है तो वहाँ का पावर मान लीजिए पी टू है। ठीक है, पी वन माइनस पी टू क्या होता है, एयर गैप पावर, सॉरी एयर गैप लॉस, एयर पावर लॉस इन एयर गैप। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एयर गैप पावर लॉस। ठीक है, तो एयर गैप पावर लॉस होने की वजह से हमेशा जो P2 होगा वो लेस देन होगा P1। इसी के वजह से भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो रोटर स्पीड है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होगा। ठीक है, तो ये सभी कंडीशन है जिसके वजह से हमारा जो रोटर है वो हमेशा रोटेट करता है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द स्टार्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। बोला इन सभी में से कौन है जो स्टार्टर नहीं है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। पहला डायट ऑन लाइन स्टार्टर, डायट ऑन लाइन स्टार्टर हम यूज़ करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। दूसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये भी हम यूज़ करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर भी हम यूज़ करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो नहीं है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर। थ्री पॉइंट स्टार्टर हम लोग जनरली डीसी मशीन में यूज़ करते हैं, डीसी मशीन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और यहाँ पर स्टार्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्टार जो डेल्टा स्टार्टर जो है डेल्टा कनेक्टेड है, रोटर जो है स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, उसके जो टर्मिनल है स्टार का जो टर्मिनल पॉइंट है वो कनेक्टेड है स्लिप रिंग से। ठीक है, स्लिप रिंग के नेक्स्ट टर्मिन एक स्लिप रिंग से हम लोग एक वायर निकालते हैं। ठीक है, उस वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस से। ठीक है, तो जितना करंट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग रेसिस्टेंस को वेरी करते हैं, और ये जो यहाँ पर रेसिस्टेंस को वेरी करके जो हम करंट को लिमिट करते हैं ये जस्ट लाइक स्टार्टर की तरह काम करता है। तो इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करंट को लिमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टेंस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एक्सपेक्टेड रीजन ऑफ द फॉल्ट व्हेन मोटर टेक मोर टाइम फॉर रनिंग। बोल रहा है, मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। पहला बोला है एक्सेस लोडिंग, दूसरा बोल रहा है लो मैन वोल्टेज, तीसरा कॉन्टेक्ट पॉइंट में भी फॉल्टी, फोर्थ है फॉल्टी बियरिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्टेक्ट पॉइंट में भी फॉल्टी। जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो फॉल्टी हो गया, मतलब उसमें कुछ दोष आ गया जिसके वजह से जो हमारा मोटर है वो चलने में अपने जो टाइम है उस टाइम पर वो चल नहीं पा रहा, उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है रन होने में।
जिसके बहुत सारे भी रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो है दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है कि अधिक लोड होना, या फिर हो सकता है कम मेन वोल्टेज का होना। ये सभी कारण हो सकते हैं इंडक्शन मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी के। ये सारे कारण, जो पहला कारण हो सकता है दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट, दूसरा कारण हो सकता है अधिक लोड होना, तीसरा कम मेन वोल्टेज होना, ये सभी कारण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर मोटर सर्किट ब्रेकर द टाइम ऑफ क्लोजिंग द साइकिल इज, हिंदी में पढ़ लेते हैं, मोटर परिपथ ब्रेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होता है। तो चक्र को बंद करने का समय जो होता है वो है 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। जो सर्किट ब्रेकर होता है, अगर मान लीजिए फॉल्ट आ गया तो इसको ट्रिप होना होता है, तो वो ट्रिप होने में जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है वो यहाँ पर पूछा गया था, तो वो टाइम है 0.01 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग अप्लायंसेस ड्रोन इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकर प्रेरक प्रतिघाती पावर ड्रो करता है। पहला ऑप्शन गिवन है इलेक्ट्रिक हीटर, दूसरा है फिलामेंट लैम्प, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम विच ड्रोन द करेंट व्यू ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, दूसरा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सा अप्लायंस है जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर ड्रोन करता है, तो वह है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, रोटर में जो फील्ड होता है ऑलवेज लेग बिहाइंड द स्टेटर फील्ड, और स्टेटर फील्ड से हमेशा लेग करता है रोटर फील्ड, ठीक है। द इंडक्शन मशीन ऑलवेज कंज्यूम रिएक्टिव पावर, इंडक्शन मशीन जो होता है हमेशा कंज्यूम करता है रिएक्टिव पावर, चाहे वो ऑपरेट कर रहा हो जनरेटर के फॉर्म में या फिर मोटर, या वो मोटर हो या जनरेटर, वो उसमें जब भी पावर कंज्यूम्ड होगा वो रिएक्टिव पावर होगा, ठीक है। इसका मेन रीज़न यह है कि रोटर फील्ड जो होता है लेग करता है बिहाइंड द स्टेटर फील्ड, जिसी की वजह से जो इंडक्शन मोटर होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर वो ड्रो करता है इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुफेजी फेजीय प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक कुंडलन के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कुंडलन के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि स्टार्टिंग के टाइम में जब स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, यहाँ पर होना चाहिए कि स्टार्टिंग के टाइम पर कुंडलन के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम में वो स्टार कनेक्टेड होता है, और जब हमारा स्पीड 80% वो रेटेड स्पीड प्राप्त कर लेता है तो वो डेल्टा कनेक्टेड हो जाता है। तो स्टार के टाइम में जो हमारा कुंडलन के छोरों पर जो वोल्टेज होगा वो होगा फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो होता है √3 फेज वोल्टेज होता है, और लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट के इक्वल होता है, ठीक है, स्टार कनेक्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि स्टार कनेक्शन कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज होता है दो फेज के बीच का वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज, ठीक है, और लाइन और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को बोलते हैं फेज वोल्टेज, ठीक है। तो फेज वोल्टेज हमसे पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे बोला कुंडलन के छोड़ो, तो कुंडलन मतलब क्या, क्वाइल्स, क्वाइल्स के जो छोड़ है उनका हमें वोल्टेज बताना है, तो वोल्टेज कितना होगा, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फेज वोल्टेज इक्वल टू √3, सॉरी लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज, सो डेट फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है डबल फेज पिंजरा मोटर, मतलब डबल केज स्क्वायर मोटर के साथ DOL स्टार्टर किस शक्ति तक की मोटर के साथ लगाया जा सकता है। पूछा जा रहा है डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर है उसको हम कितना मोटर की शक्ति तक हम यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.5 किलोवाट तक के शक्ति के लिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें HP में बात किया जाए तो हम लोग 3 HP, 5 HP, मतलब 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर तक के मोटर में हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन गिवन रहे HP के फॉर्म में 3 या 5, तो हम कोई भी एक मार सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देख लेते डार्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कैसे वो वर्क करता है, वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है डार्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई है, तीन लाइन रेड येलो ब्लू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो एमसीबी लगा हुआ है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक क्वाइल लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पर स्टार्ट बटन है, जैसे हम स्टार्ट बटन को पुश करेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो कम्प्लीट हो जाएगा। हुआ क्या, यहाँ से L2 लाइन है, यहाँ पे L1 लाइन है। ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो हुआ, L1 से फ्लो होगा, यहाँ L2 है। ठीक है, यहाँ गया, ये सभी सभी शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा और फिर ये भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा और ये पाथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो क्वाइल है वो क्वाइल जो है ये जो आयरन है उसको मैग्नेटाइज कर देगा। ठीक है, इसके मैग्नेटाइज होने की वजह से जो है AMM जो है वो सभी क्या होंगे, AB से कनेक्ट हो जाएगा, ये इस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा जो मोटर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, मोटर को सप्लाई मिल जाएगा, मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओवरलोड रिले जो सर्किट ब्रेकर है वो लगाया गया है, या फिर आप बोल सकते हो ओवरलोड रिले लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, जब अगर मोटर ओवरलोडेड कंडीशन में होता है तो ये इसको ट्रिप कर देता है, डिसकनेक्ट कर देता है मोटर को सप्लाई से। तो इस तरह हमारा डाट ऑनलाइन जो स्टार्टर है वो वर्क करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक पंप तीन फेज प्रेरण मोटर प्रेषित वोल्टता के आधे मान पर चलाई जाती है, इसका क्या परिणाम होगा। बोला जा रहा है कि अगर कोई थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अगर आधे वोल्टेज के मान पर, मतलब रेटेड वोल्टेज से हाफ वोल्टेज पर अगर चलाया जा रहा है तो क्या इसका परिणाम होगा। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए, मोटर खराब हो जाएगा, मोटर डैमेज हो जाएगा अगर हम उसको रेटेड वोल्टेज के हाफ वोल्टेज पर अगर चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज पिंजरी प्रेरण मोटर, मतलब पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है। यहाँ पर टोटल ऑप्शन गिवेन है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, दूसरा ऑप्शन है पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, सी है पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, फोर्थ है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसके उसके स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में अगर जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं किस तरह पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन स्पीड को कंट्रोल करता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, ये हम उस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मैक्सिमम टॉर्क टू बी डेवलप्ड इन एन इंडक्शन मोटर द कंडीशन इज डैट, हिंदी में बोल रहा है प्रेरण मोटर में अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए स्थिति होती है। पहला ऑप्शन है लोड करंट इक्वल रेटेड करंट, दूसरा है रोटर रेसिस्टेंस इक्वल टू स्टेटर रेसिस्टेंस, तीसरा है रोटर रेसिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस, फोर्थ है स्लिप इज जीरो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोटर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करने के लिए R2 इज इक्वल टू X2 होता है। ठीक है, अगर इसे जानना है तो इसको डेराइव करके हम पता कर सकते हैं कैसे हमारा मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करने के लिए R2 इज इक्वल टू X2 होता है। हम लोग क्या जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू होता है E2 स्क्वायर R2, ये स्लिप है, ये हमारा EMF है। ठीक है, डिवाइडेड बाय होता है R2 स्क्वायर प्लस XX2 स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन में क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं S के रिस्पेक्ट में, तो DT R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। UYV को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, UYV फॉर्म में सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन लिख दिया इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर K होगा, ये तो इंड्यूस EMF हमने दे ही दिया है। ठीक है, यहाँ पर K होगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएगा E2 स्क्वायर R2, फिर माइनस S E2 स्क्वायर R2 इंटू, फिर हम लोग सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड फंक्शन में तो ये कॉन्स्टेंट पार्ट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस
एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर है तो हो जाएगा टू एस टू, सॉरी ए टू एस टू नहीं, टू एस एक्स टू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स एक्स टू का होल स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं आर टी बाई आर टी डी टी बाई डी एक्स जो होगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म। हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा आर टू स्क्वायर, सॉल्व करिएगा खुद से पता चल जाएगा, आर टू स्क्वायर माइनस एस एक्स टू स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर टू इज इक्वल टू एस एक्स टू, ठीक है। अब अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्लिप हमारा वन होगा, तो आर टू इज इक्वल टू एक्स टू। यहाँ पर स्टार्टिंग की बात नहीं की गई, कुछ नहीं बोला गया, फिर भी यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया है रोटर रेसिस्टेंस इक्वल टू स्टेटर रेसिस्टेंस, मतलब कहने का स्टार्टिंग कंडीशन की बात हो रही, तो स्टार्टिंग में स्लिप क्या होगा, वन होगा, जिसके वजह से ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डायटोन लाइन स्टार्टर लगी हुई थ्री फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट किसके द्वारा बचाया जा सकता है। वह थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, वो डायटोन लाइन स्टार्टर से कनेक्टेड है, तो अगर मोटर में शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको हम किससे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन में गिवन है नो वोल्ट रिले से, दूसरा है बैकअप फ्यूज से, तीसरा है सुरक्षा भूचालक से, तीसरा अति भार रिले से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बैकअप फ्यूज से हम शॉर्ट सर्किट, मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे बैकअप फ्यूज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग पेंडिंग के घूर्णक कुंडलन रोटर वाइंडिंग में प्रतिरोध किस कारण से जोड़ा जाता है। बोला स्लिप रिंग इंडक्शन जो मोटर होता है उसके रोटर वाइंडिंग में हम लोग क्यों रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन गिवन है प्रारंभिक धारा कम करने और प्रारंभिक घूर्ण बल बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक धारा सीमित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक धारा सीमित करने के लिए और प्रारंभिक घूर्ण बल कम करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है केवल प्रारंभिक घूर्ण बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब होता है क्या, स्टार्टर हम लोग जनरली यूज़ क्यों करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो हम लोग रोटर वाइंडिंग में जो रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो जस्ट लाइक स्टार्टर की तरह काम कर रहा है। प्रारंभिक में स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है, इंडक्शन मोटर में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट होता है, 3 to 5 times ऑफ द रेटेड करंट, तो उस करंट को कम करने के लिए हम लोग प्रतिरोध का यूज करते हैं, रेसिस्टेंस का यूज करते हैं, है। और ना स्टार्टिंग टॉर्क को रेसिस्टेंस को लगाने से क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, ठीक है। जिसके वजह से अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारा बढ़ता है, ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करेंट इन एन इंडक्शन मोटर इज, पूछा जा रहा है रोटर करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट क्या होता है इंडक्शन मोटर में। तो हम लोग जानते हैं ns इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है 120 f/p, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए मैं जनरली हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन मोटर में जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ज होता है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि रोटर में फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है s इंटू f स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप क्या होता है, स्लिप इज नथिंग बट ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns इंटू 100। इससे जो स्लिप मिलता है, स्लिप को जब हम फ्रीक्वेंसी से सप्लाई फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर गुना करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, स्लिप इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी।